किसी अजीम शख्स ने कहा है कि दुआ करो कि तुम कभी वायरल ना हो। शायद ये बात किसी किसी को इलॉजिकल सी लगे, क्योंकि आजकल के दौर में हर इंसान वायरल होने की रेस में लगा हुआ है, बेशक फिर उसे कुछ भी करना पड़े। अब इस बात के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक थ्योरी है, एक रॉकेट साइंस आप समझ लें। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ बीइंग वायरल। एक होता है वायरल होना और एक होता है फेमस होना। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज मैं इसी डिफरेंस को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेमस लोगों की कैटेगरी। ये वो लोग हैं जो कई साल मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। स्टार्टिंग में इनके व्यूज बहुत कम होते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी प्रोग्रेस होती है, इनके व्यूज भी बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंटली इनको बहुत सारे व्यूज आ जाएं। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा यहाँ पे कि ये इम्पॉसिबल है, अक्सर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी वीडियो पे या किसी ऐसी चीज पे इंसान को बहुत ज्यादा रीच मिल जाती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वीडियोज, हो जाता है इस तरह। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इनके व्यूज एवरेज ही रहते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्रिएटर ने एक वीडियो बनाई, उस पर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत क्वालिटी कंटेंट दिया, और जब उसने वो अपलोड की तो उस पर रीच आ गई। उस वीडियो की वजह से उसे फेम मिलना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं होगा कि फेम एकदम से मिला, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फेमस हो गया, नहीं। उसे आहिस्ता आहिस्ता उस पर फेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने भी लोग उस वीडियो को देख के उसे फॉलो करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, वो टिल एंड तक होंगे, मतलब वो उसके परमानेंट सब्सक्राइबर या फॉलोअर होंगे। इसी तरह फेमस लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनकी नीड के मुताबिक रीच मिलती है, मीन्स स्लो प्रोग्रेस। एक रिस्पेक्ट इज्जत करने वाली उन लोगों को फैन बेस मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स ध्रुव राठी, नितेश, फुकरा इंसान एक्सेट्रा। पाकिस्तान में देख लें तो इरफान जुनेद, जो मोरू, जुनेद अकरम, इन जैसे और भी बहुत सारे लोग। इन लोगों को ऐसा नहीं हुआ कि इंस्टेंटली फेम मिल गया। इनकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुए हैं। जैसे जैसे इन्होंने काम किया, इनको व्यूज भी ज्यादा आना शुरू हो गए, कभी कभार इनकी वीडियोस पे रीच भी ज्यादा आ गए। नॉट ओनली यूट्यूबर्स, फेमस लोगों की कैटेगरी में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, सिंगर्स, ये वो। अब ये जितने भी लोग हैं, दे वर्क हार्ड, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ियां चढ़ते गए, और जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाएंगे, इनके साथ और भी ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, और जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे वो इनके परमानेंट फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हों, और इनको टिल एंड तक सपोर्ट करेंगे। Now let's talk about viral category, the dark side of being viral. Bilfers, आपने रात को एक वीडियो लगाई और जब आप सुबह उठे तो वीडियो वायरल, जस्ट लुकिंग लाइक अ wow. इतनी वायरल होगी कि उससे वर्ल्ड वाइड रीच मिली, बॉर्डर क्रॉस वो वीडियो चली गई, दुनिया की हर कंट्री में वो वीडियो वायरल होगी, उस पे मीम्स बनना स्टार्ट होगी, बड़े बड़े फिल्म स्टार उस डायलॉग को रिपीट करना शुरू हो गए। एकदम से उस वायरल होने वाले इंसान को मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिल जाते हैं, मानो जैसे कुछ जादू हो गया हो। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, पाकिस्तान में अक्सर ऐसी मीम्स या वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जैसे साकिब मुनीर की ये वाली वीडियो, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो, दना नीर की ये वाली वीडियो, ओके हमारी पार्टी हो रही है, पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हुई थी। एकदम से हर इंसान बस एक ही बात कर रहा था, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। फिर ये लड़की, फिर ये लॉर्ड द पावर अख्तर लव, रिसेंटली कुछ महीनों पहले ये सब कुछ वायरल हुआ था। इस जैसी और भी बहुत सारी बेशुमार ऐसी वीडियोस हैं जो मैं शायद आपको गिनवा भी ना सकूं, मतलब हर महीने ऐसी वीडियोस वायरल होती है। वायरल होने से आपको इंस्टेंटली फेम मिलता है, लाखों करोड़ों व्यूज, वक्ती तौर पर आप एक ट्रेंड बन जाते हैं, हर बंदा उस ट्रेंड पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा, ताकि वो भी इस ट्रेंड पे वीडियो बना के खुद वायरल हो सके। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बट यहाँ पे इनकी एक बहुत बड़ी डार्क साइड है, ये सब एकदम तूफान की तरह आते हैं और एकदम से गायब, बस किस्सा तमाम। लोग इनको भूल जाएंगे या मजीद आने वाले वक्त में इनको भुला दिया जाएगा। इन शॉर्ट, इनको बहुत ज्यादा फेम तो मिला, लेकिन वो सारा फेम टेम्परेरी था, एक हवा की तरह था जो एकदम से आया और एकदम से चला गया। अब लोग इनको इनके सिर्फ उसी वैलिड रीजन की वजह से जानेंगे जिस रीजन की वजह से ये वायरल हुए थे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब एक इंसान को इंस्टेंटली फेम मिलता है तो उससे वो फेम संभाला नहीं जाता, क्योंकि अचानक से उसके पास बहुत ज्यादा फेम आ जाता है, उसे पता ही नहीं है कि अपनी ऑडियंस के साथ बात कैसे करनी है, उनको रिस्पेक्ट किस तरह करनी है। यही वजह है कि कुछ लोग वायरल होने के बाद बहुत ओवर रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब यहीं पे कुछ लोग मौके पे चौका
मारते हैं लाइक ये लड़की। अब ये लड़की एक डायलॉग की वजह से वायरल हुई थी। इस लड़की ने वायरल होने के बाद वर्ल्ड वाइड फेम कमाया और इस पे बेशुमार वीडियोस बनी। बट आहिस्ता आहिस्ता इसने देखा कि इसका ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, तो इसने उस ऑडियंस को फौरी तौर पे कैच कर लिया, क्योंकि उस वक्त इसके पास बहुत ज्यादा अटेंशन थी। इंटरव्यूज लिए जा रहे थे, फिल्म स्टार, सिंगर्स, एक्टर्स जो भी थे वो सारे इस लड़की को अटेंशन दे रहे थे, तो इसने फौरी तौर पे एक्टिंग में कदम रख लिया। अब कुछ महीनों के बाद उसका ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन उसने अपना करियर सेट कर लिया। मतलब अब उसका ट्रेंड खत्म हो या ना हो, लोग उसे हमेशा के लिए जानेंगे। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। खैर, एट दी एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किसी को पता नहीं होता कि उसका कौन सा एक्शन, उसका कौन सा डायलॉग वायरल हो जाए। इन केस आप भी कभी वायरल होते हो तो प्लीज आप उस मैट्रिक्स में फंसे ना रहना, उस फेम का इस्तेमाल सही से करना, क्योंकि आप वक्ती तौर पर वायरल हुए हो, वक्ती तौर पर आपका ट्रेंड आया है। लेकिन अगर आप इस अटेंशन को, इस ऑडियंस को परमानेंटली कैच करना चाहते हैं, तो कोई अच्छा काम करना, किसी अच्छी फील्ड में कदम रख लेना, क्योंकि उस वक्त आपके पास फुल अटेंशन होगी एंड लोग तुम्हें वही रिस्पेक्ट देंगे जो तुम डिजर्व करते हो, और वो टिल एंड तक तुम्हें याद रखेंगे। एंड फॉर मी, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन इंस्टेंट प्रोग्रेस। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप चलो, मजा आएगा, आप इस जर्नी को इंजॉय करेंगे। आपके पास कल को एक स्टोरी होगी लोगों को बताने के लिए, आपकी अपनी सक्सेस स्टोरी। आप ये ना कहें कल को कि मैं फलां चीज की वजह से वायरल हुआ था। एंड अगर तुम स्लो प्रोग्रेस करते हो तो तुम्हें कोई अकड़ या एटीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुमने बहुत मेहनत की है, फिर जाके तुम्हें ये मुकाम हासिल हुआ है, तुम्हें ये रिस्पेक्ट मिली है, तुम भी इन्हीं लोगों में से उठ के आए हो, और तुम अपनी ऑडियंस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बस मेहनत करो और ट्रस्ट करो प्रोसेस पे। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, फेलिक्स को दीजिए इजाजत, गुड बाय।